नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जेड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप के जो पैनल की इमेज है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो भी इमेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, उस इमेज को आप लोग अपने यूट्यूब चैनल या आपका कोई वेबसाइट है उसमें आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट इसमें नहीं दूंगा, चूँकि ये पैनल जो है पूरी मेरी वर्कशॉप में बन रहा है। सो इधर उधर का कुछ डस्ट भी पड़ा हुआ है, सो आप उसको निगलेक्ट कर लीजिए, उसको क्रॉप करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैनल भी दिखा रहे हैं वो सारे स्टार्टर पैनल हैं, स्टार्टर पैनल भी बन रहा है। और ये देखो, ये स्टार्टर है जिसमें हमने LNT का स्विच गियर यूज़ की है, ठीक है। ये एलुमिनियम का बस बार है, ये स्टार्टर है जिसमें एक फीडर मैंने 3 स्टार्टर दिए हैं, और जहाँ स्टार्टर है वहाँ पर मैंने सिंगल दिया, ठीक है। ड्यूल स्टार्टर में मैंने 3 दे दिया है। तो ये हमारे स्टार्टर का है। ये MCC पैनल है जो मैंने एक क्लाइंट के लिए बनवाया था, और ये भी स्टार्टर पैनल है जिसको टेस्टिंग कर रहे हैं। ऊपर के चेंबर को बस बार चेंबर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमने APFC रिले यूज़ किए हैं। देखिए, ये बहुत खूबसूरत पैनल आपको दिख रहा है, जो कि PCC पैनल है जिसको पावर कंट्रोल सेंटर पैनल कहते हैं। यहाँ पे स्टार्टर जो दिख रहा है वो आपका ये PCC पैनल है, जो कि DG और CSB के लिए अलग अलग हमने कलर प्रोवाइड किए हैं। DG के लिए हमने ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, और CSB के लिए ग्रीन कलर हम लोग यूज़ करते हैं। ये बस बार है जो कि एल्युमिनियम का बस बार है, जो कि ब्रेकर में लगा हुआ ये है ना। ये इनकमर पैनल है, ये PCC पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है ये। तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो विद इलेक्ट्रिक बोर्ड सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा, और जो ऑरेंज दिख रहा है वो आपका DG से कनेक्ट रहेगा। तो DG के लिए हम लोग अलग से सिंबल दे दें, ताकि दूर से आप जान सके कि इसमें DG का कनेक्शन आया हुआ है। देखिए, काफ़ी बड़ा बड़ा पैनल बनता है जिसमें 16-17 ब्रेकर हम यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बस डट कहते हैं। ट्रांसफार्मर को पैनल से कनेक्ट करने के लिए कभी कभी हमको डायरेक्ट बस बार को दौड़ाना रहता है। सो हम लोग इस प्रकार के अरेंजमेंट करते हैं कि पूरी इंक्लोज़र बनाते हैं और उसके अंदर में बस बार को रेस्ट कर देते हैं, और ये पैनल से ट्रांसफार्मर तक पूरा कनेक्ट रहता है। ये एक PD पैनल है जिसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी कहते हैं, जिसमें ये आप लाइटिंग पैनल है जो कि बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है जिसमें हमने ब्रेकर यूज़ किए हैं, और ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेशन यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। ये एक चेंजवर है जहाँ पे एक रोटरी हैंडल दिख रहा है ना, वो चेंजवर है, वो मैनुअल चेंजवर है। ये PD पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जिसमें ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेशन यूज़ किया गया है। ये भी PD पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। ये MCSB है, और ये एक ड्राइव पैनल है जो कि ABB कंपनी का ड्राइव पैनल है, और ये भी ड्राइव पैनल है ABB कंपनी का। यहाँ पे ड्राइव को हम लोग फ्रंट में ना देकर अलग टाइप को माउंट किया गया है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट वैसे ही है। ये पैकिंग करके रखा हुआ मटेरियल है, ये पैनल है ये, और ये हमारे PD पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। अगेन यहाँ पे लाइटिंग पैनल दिखाई दे रहा है। ये स्टैटिक के मीटर है, एक तरह से मल्टीफंक्शन मीटर कह सकते हैं आप, और ये आपका स्नाइडर कंपनी का ड्राइव है। ये ABB कंपनी का ड्राइव पैनल है। ये MCC पैनल है, स्टार्टर पैनल, ठीक है, मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो DG सिंक्रोनाइजिंग का पैनल है एक तरह से, और ये सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर है। ये DG सिंक्रोनाइजिंग नहीं है, आपका क्या कहते हैं उसको, ऑटो मेंस फेल्चर पैनल का ये पैनल है एक्चुअल में। ये यहाँ पे दिखा रहा है चेंजवर पैनल दिखा रहा है ये, और साथ ही साथ हमने इसमें ATS भी यूज़ किया है जिसको ऑटो ट्रांसफर स्विच कहते हैं। ये PD पैनल का बस बार का दिखाई दे रहा है आपको लोगों को, कि बस बार को किस प्रकार से अरेंज किया जाता है।
ये कुछ कंट्रोल वायरिंग है जो कि एमए पैनल का है, ऑटोमेंस फेल्चर पैनल का है। ये वीएमआर है जिसको वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले भी कहते हैं। ये मीटरिंग सेक्शन है, ये एक स्टार्टर है। ये बस बार से जो आउटगोइंग लेके जाते हैं उसका है। ये अगेन स्टार्टर है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके बहुत सारे इसमें इमेज आपको मिल जाएगा। आप इस इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कभी भी कॉपीराइट नहीं दूंगा। और ये आपका IDMT रिले है जिसको ओवर करेंट एंड ऑल फॉर रिले भी कहते हैं। और अगेन यहाँ पे हमने स्टार्टर पैनल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जिसमें बीच में आपको मीटरिंग सेक्शन दिखाई दे रहा है और लेफ्ट ये आपका रिले है, L&T कंपनी का थर्मल ओवरलोड रिले है। यहाँ पे दो पैनल को जोड़ रहा है, तो ऊपर में जो बैठे ना वो लोग बस कपलर को कनेक्ट कर रहे हैं लोग। ये ड्राइव कंपनी है जो कि L&T का ड्राइव कंपनी है, NX2000। और ये स्टेप अप कंपनी का कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। ये टाइमर है, ये कभी कभी लाइट को, ये भी टाइमर है। तो अगर आप लाइट को ऑटोमेटिक चालू बंद करना चाहते हैं तो इस प्रकार में वो टाइमर यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मल्टीफंक्शन मीटर दिखाई दे रहा है, ये इसको मीटरिंग सेक्शन कहते हैं। देखिए लाइटिंग टाइमर पैनल है, ठीक है। इस पैनल के द्वारा आप लाइट को ऑटोमेटिक चालू बंद कर सकते हैं, जो टाइम सेट करना चाहें उसमें सेट करके आप चालू बंद कर सकते हैं। ये सेक्शन को हम लोग मीटरिंग सेक्शन कहते हैं, जिसमें वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, सेलेक्टर स्विच, RYB इंडिकेशन होता है। सो इसको हम मीटरिंग सेक्शन कहते हैं। अगेन ये लाइटिंग टाइमर पैनल है। ये आपका मीटर पैनल है जिसमें हमने चार मीटर यूज़ किए हैं। ये आपका ब्रेकर है जो कि ABB कंपनी का ब्रेकर है, जिसको एयर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है। और ये एक ड्राइव पैनल है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। ये स्नाइडर कंपनी का ड्राइव पैनल है। ये अगेन ये स्टार्टर MCC पैनल है, सॉरी, ये MCC पैनल है, ये जिसमें तीन स्टार्टर हमने यूज़ किए हैं। ये टाइमर पैनल है, लाइटिंग टाइमर पैनल है, ये अगेन लाइटिंग टाइमर पैनल है। इसमें हम लोग डिजिटल टाइप का टाइमर यूज़ किए हैं, जबकि कई जगह हमने एनालॉग यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो दिख रहा है वो आपका टाइमर पैनल है, लाइटिंग टाइमर पैनल है, ठीक है। हाँ ना, मैं ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। अगेन ये ड्राइव पैनल दिखाई दे रहा है। ये तो अभी ड्राइव को माउंट कर रहे हैं हम लोग, है ना, इसको वायरिंग नहीं किए हैं। ड्राइव को माउंट कर रहे हैं, बाद में इसको वायरिंग करेंगे। ये APC पैनल है जिसको ऑटोमेटिक पावर फिल्टर कंट्रोलर पैनल कहते हैं। और इसमें नेपच्यून कंपनी का हम लोग APC रिले यूज़ किए हैं। अगेन ये आपका PD पैनल है जिसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कहते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे CSB & DC का इनकमर पैनल है। ये एक ऑटो के ड्राइंग है, ये जिसमें पैनल को दिखाया गया है। तो ये आपका L&T कंपनी का ब्रेकर है ये। और ये MCV है जो कि इसको हम लोग CT कहते हैं, CT कनेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन है, रेड कलर का इंडिकेशन है। यहाँ पे कॉन्टैक्टर दिखाई दे रहा है आपको,
उसके ऊपर में आपका एडम ब्लॉक लगा हुआ है, AATX कंट्रोलर पैनल है ये, जिसको ऑटो ट्रांसफर स्विच पैनल भी कहते हैं। ये कंट्रोल डेस्क है, स्टार्टर को एक जगह से कंट्रोल करने के लिए इस टाइप को हम लोग कंट्रोल डेस्क यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का जीए बना के दिया जाता है, ये आपका PCC पैनल है जिसको पावर डिसीजन पैनल कहते हैं। प्लांट में लगने के बाद कुछ इस प्रकार से पैनल दिखाई देता है, जबकि इसमें अभी कुछ काम बचा हुआ है, कुछ मीटरिंग का सेक्शन छूटा हुआ है इसमें। ये पैनल चालू है, देखिए यहाँ पे पूजा पाठ करके भी कुछ लगा दिए उसमें, और यहाँ पे मीटरिंग सेक्शन कुछ बचा हुआ है। कुछ कुछ कई बार क्या होता है कि पैनल हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा था, क्लाइंट बार बार चिल्लाता है, इसलिए हम लोग पैनल भेज देते हैं, बाद में वहीं जाके फिर इसमें हम लोग वायरिंग करते हैं। ये हमारा APVC पैनल है जिसको ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल कहते हैं। ये PDU पैनल है जिसको पावर डिसीजन पैनल कहते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के पैनल है दोस्तों।